जनन प्रकार्य। इस वीडियो में हम सीखेंगे गौड़ लैंगिक या द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जनन प्रकार्य प्रारंभ होने में हार्मोन की भूमिका। नमस्ते, नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों। दीदी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ बताओ बच्चों, क्या हुआ, आज क्या सवाल आया है तुम्हारे दिमाग में? दीदी, कल आपने हमें किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया था ना, तो खोजी कह रहा था कि दाढ़ी मूंछ का आना भी ऐसा ही एक परिवर्तन है। क्या सच में ऐसा है दीदी? बच्चों पहले ये बताओ कि किसी व्यक्ति को देखकर तुम ये कैसे बता सकते हो कि वो लड़का है या लड़की? दीदी आपने बताया था कि लड़के किशोर अवस्था में अधिक लंबे चौड़े दिखाई देते हैं और उनकी पेशियां लड़कियों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और गठी हुई होती हैं। शाबाश बच्चों, और इसी अवस्था के दौरान उनकी दाढ़ी मूंछ भी आने लगती है, जबकि लड़कियों में स्तनों का विकास होता है। ये लक्षण गौड़ या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं और अंग्रेजी में इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। दीदी क्या इनके अलावा और भी कोई गौड़ लैंगिक लक्षण होते हैं? हाँ बच्चों, लड़कों में सीने पर बालों का आना एवं लड़के व लड़कियों दोनों में बगल और प्यूबिक क्षेत्र में बालों का आना भी इन्हीं लक्षणों में शामिल है। लेकिन गौड़ लैंगिक लक्षण जनन अंगों के विकास से संबद्ध नहीं होते। इन परिवर्तनों के होने का कारण क्या है दीदी? बच्चों ऐसा हार्मोन्स के कारण होता है। हार्मोन्स? ये हार्मोन्स क्या होते हैं दीदी, विस्तार से बताइए ना। बच्चों हार्मोन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों या अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित होते हैं। ये हमारे शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। यौवनारंभ में लड़कों में वृषण द्वारा पौरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होने लगता है, जो उनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों जैसे दाढ़ी मूंछ का आना आदि का कारण है। जबकि लड़कियों में अंडाशय द्वारा स्त्री हार्मोन यानी एस्ट्रोजन का स्राव होता है, जिससे उनमें स्तन एवं दुग्ध ग्रंथियां विकसित होती हैं। जानते हो इन हार्मोन्स के स्राव को कौन नियंत्रित करता है? नहीं पता दीदी, आप ही बता दीजिए ना। बच्चों इन हार्मोन्स को हमारे मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होने वाले एक अन्य हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अरे वाह दीदी, ये सब तो हमें पता ही नहीं था। पता है बच्चों, ये हार्मोन्स जनन कार्यों को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो कैसे दीदी? बच्चों पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला एक हार्मोन हमारे जननांगों में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों को लैंगिक हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन को उत्पादित करने के लिए उत्तेजित करता है। मैंने बताया था ना, शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स को सीधा रक्त में प्रवाहित करती हैं। हाँ दीदी आपने बताया था। तो रक्त द्वारा ये हार्मोन्स अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाते हैं, फिर ये लक्ष्य स्थल इन हार्मोन्स के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यौवनारंभ में शरीर में विभिन्न परिवर्तन प्रकट होते हैं।
ठीक से समझ में नहीं आया दीदी। देखो बच्चों, पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन्स उत्पादित करती है, ठीक, जिनमें से एक हार्मोन वृषण में पहुंचकर शुक्राणुओं और अंडाशय में पहुंचकर अंडाणुओं के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। इस प्रकार ये हार्मोन्स जनन कार्य में सहायक होते हैं। दीदी अब समझ में आया, हार्मोन्स जनन कार्यों को कैसे आरंभ करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। शाबाश। तो बच्चों आज के लिए इतनी जानकारी काफी है, इसके आगे हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, ठीक है? जी दीदी। तो चलो अब मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ, सोच समझ कर उनका उत्तर देना। सबसे पहले ये बताओ कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों से आप क्या समझते हैं? दीदी यौवन आरंभ में प्रकट होने वाले परिवर्तन, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ और सीने पर बालों का आना, एवं लड़के और लड़कियों दोनों में बगल और प्यूबिक क्षेत्र में बालों का आना गौड या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं, है ना दीदी? बिल्कुल सही खोजी। अच्छा बताओ कि लैंगिक हार्मोन्स कौन से होते हैं? दीदी लड़कों में टेस्टोस्टेरोन तथा लड़कियों में एस्ट्रोजन लैंगिक हार्मोन्स होते हैं। शाबाश सवाली। अच्छा अब एक अंतिम सवाल, ये बताओ कि लैंगिक हार्मोन्स को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि, है ना दीदी? शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। बच्चों बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तो मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।